असिस न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश रंजन। हम अभी खड़े हैं कटिहार लोकसभा के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में और ये जगह है सन ऑफ इंडिया क्लब जो कटिहार के शहरी क्षेत्र में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम सम्मानित कटिहार की जनता है और आज इनसे जानेंगे कि क्या मौजूदा सांसद जो तारिक अनवर है, क्या उनका विकास जो अभी तक जो उन्होंने किया मौजूदा 5 साल में, क्या विकास जमीन तक पहुँच पाया है नहीं। ताज़ा हालात में बता दूँ मौजूदा सांसद तारिक अनवर लगभग 5 बार इस संसदीय चुनाव क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मौजूदा अगर बीजेपी सांसद की बात कर लें तो 2-3 बार जीत की हड्डी लगा चुके निखिल चौधरी। आज हम जानेंगे कटिहार की जनता से कि क्या विकास मौजूदा सांसद तारिक अनवर के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है कि नहीं। जी बताइए, विकास कहाँ तक पहुँचा है अभी 5 साल में? इस 5 साल में मोदी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास के तहत जब गांव-गांव सड़क बन गया है, बिजली गांव-गांव पहुंच गई है, गांव-गांव में विद्यालय अस्पताल सब कुछ हो गया है, जो काम 50 साल में नहीं हुआ इस देश में वो काम हाल कटिहार में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है। कोसी क्षेत्र में बाढ़ हर साल आती है, यहाँ के नेता उस बाढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया अब तक में। जो भी यहाँ पर जो गंगा नदी है, महानंदा नदी है, कोसी नदी से घिरा हुआ कटिहार है और इससे क्या होता है, किसान का फसल नुकसान होता है, बांध हर साल कट जाता है और मवेशी या माल जाल का नुकसान होता है। इस तरह के कटिहार में विकास कुछ नहीं हुआ अभी तक से। और जहाँ तक कि नीतीश कुमार की सरकार जो आई और वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी की सरकार हुई तो उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव में एलपीजी गैस पहुंचा घर पर। मौजूदा सांसद के विकास कार्यों का आप कितना क्या मूल्यांकन कर रहे हैं? मौजूदा सांसद तो एहसास ही हम लोग को आज तक नहीं हुआ कि कटिहार में कोई सांसद होता है। वो तो निखिल चौधरी 15 साल बना सांसद तो हम लोग को पता चला कटिहार में लोकसभा का सांसद भी होता है। जी बताइए, कह रहे हैं कि कटाव बाढ़ एक बड़ी समस्या और मौजूदा सांसद के जो कार्यकाल रहा 5 साल का कार्यकाल रहा सांसद तारिक अनवर का, उनके कार्यों के मूल्यांकन को ये 0 बता रहा है, आपका क्या कहना है? मेरा सर देखिए, कटिहार का एक दुर्भाग्य है, जब भी कटिहार से कोई सांसद होता है तो केंद्र में उसकी सरकार नहीं होती है, ये दुर्भाग्य मानिए। लेकिन जो सांसद फंड होता है उस सांसद फंड से ज़्यादा, वो तो फंड जो आता है उसके लिए तो काम करते ही हैं, उसके अलावा इस बार जो है मोदी सरकार से लड़कर झगड़कर फ्लाईओवर पास हुआ है और बाढ़ से लड़ने की समस्या को जो है तुल दिया गया है, जिसमें बाढ़ राहत के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। ये जानकारी अभी सभी लोगों को नहीं है। मैं बता दूं कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो या जिसके भी माध्यम से, आने वाले विगत वर्षों में आपको इनकी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। मौजूदा सांसद के कार्यों को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं मौजूदा सांसद के कार्यों को 10 में से 8 मार्क्स देना चाहूँगा। तो बाढ़ कटाव एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कटिहार का जो नाम है, कटिहार लोकसभा जूट नगरी के नाम से कटिहार लोकसभा क्षेत्र जाना जाता था, जूट की फैक्ट्री थी यहाँ, लेकिन तत्काल वो बंद है। ना ही मौजूदा सांसद के कार्यकाल में वो स्टार्ट हो पाया, ना ही इससे पहले जो सांसद रहे बीजेपी के 3 बार सांसद रह चुके निखिल चौधरी के कार्यकाल में स्टार्ट हो पाया, तो कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज किया गया इस पूरे मामले को। आइए लोगों से जानते हैं। जी बताइए, कटिहार में विकास हुआ है या नहीं, कटिहार लोकसभा में विकास हुआ? सबसे बड़ा बात है कि कटिहार लोकसभा का जो हमारा एमपी साहब है तारिक साहब, उनको तो हम लोग शायद 1 बार या 2 बार देखे हैं, वो तो रहते ही नहीं है कटिहार में। जो इसके पहले जो निखिल चौधरी थे उसको तो कम से कम देखा जाता था, घूमते थे, आज तक तो निखिल तारिक अनवर जो है इस एरिया में भी नहीं आए हैं। विकास लगता है कटिहार? विकास का तो एक भी रोड नाला हमारा इस एरिया में तो नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि सांसद नजर नहीं आते हैं, विकास कार्य के मूल्यांकन को 0 बता रहे हैं, सांसद को 0 मार्क्स दे रहे हैं उनके जो उनके कार्यकाल में जो विकास के कार्य हुआ, आपका क्या मानना है? सांसद जब चुने जाते हैं तो सांसद को संसद का जो शीतकालीन सत्र चलता है उसमें भी जाना पड़ता है, क्षेत्र की समस्याओं का को रेखांकित करके उसका जो एक मैनिफेस्टो तैयार करना पड़ता है। निखिल चौधरी साहब 3 टर्म सांसद रहे, मैं इनके बात से सहमत हूँ, लेकिन वो बेटी का ब्याह और किसी का श्राद्ध का भोज और एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ के विकास के मद में कौन सा काम 15 साल में, एक ईटा क्या रखे हैं, जरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
मेरा ये कहना है कि आज कटिहार में आप विकास की बात कर रहे हैं तो कटिहार में टीवी टावर देख लीजिए, इंदिरा गांधी पुस्तकालय देख लीजिए, मॉडल स्टेशन देख लीजिए, जूट मिल, जो नीति आयोग सरकार से बड़ा नीति आयोग नहीं होता है। मोदी सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी सरकार में सबका साथ और मोदी जी का विकास हो रहा है। आज जूट मिल बंद है, बेरोजगारी के कगार पे है, 5000 मजदूर रोड पे है, नीति आयोग का फैसला है कि जूट मिल बंद कर देना है। जूट मिल बंद है और उसके लिए कोई खास कारगर कदम नहीं उठाया गया, हालांकि राजनीतिक रोटियां सेकती रही गई जूट मिल पर, लेकिन कोई खास पहल नहीं हुई। जी बताइए, मौजूदा सांसद के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हो, विकास हुआ है कटिहार में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कटिहार का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक जो लोग यहाँ नेता बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर को भरने का काम किया है। आज जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक बात है सांसद तारिक अनवर जी का, मुझे लगता है कि अगर तारिक अनवर जी से तुलना अगर कटिहार के किसी और एमपी जो यहाँ रह चुके उनमें किया जाए तो तारिक साहब फॉर बेटर है। मगर जहाँ तक बात है कि कटिहार की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कटिहार में लगातार एक लंबे टाइम से आपको पता होगा एफसीआई का जमीन अधिग्रहण किया गया, और वो जमीन जो वहां के गरीब किसान थे इसलिए दिए थे कि वहां कहा गया कि आपको मोकामा के जैसे एक बड़ा अनाज रखने के लिए एक भंडार रूम भंडार बनाया जाएगा। मगर क्या रीजन हुआ, वो भंडार रूम भी नहीं बना, वो एफसीआई गोदाम भी नहीं बना, और यह भी कहा गया कि एक नौकरी भी दी जाएगी, नौकरी भी नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात, कटिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो जमीन अडानी को दे दिया गया, ये जो बिजनेसमैन गुजराती है, एक गुजराती के साथ आके दूसरे गुजराती ने मिलके कटिहार में करोड़ों अरबों रुपए की जमीन मात्र औने पौने दाम में दे दिया गया। काफी समस्या कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है, एनएफ रेलवे का हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी कटिहार जो है रोड साइड स्टेशन बन के रह गया। जी बताइए, क्या लगता है, युवा बेरोजगार है? सबसे पहले हमारे मित्र ने कहा कि सांसद जी यहाँ पुस्तकालय बनाया, हम लोग जब तक बालिग नहीं हुए थे, ये लोग जितने नौजवान है उसके पहले ही यहाँ टीवी टावर बना है, पहले ही इसके पुस्तकालय बना है, उसी को घिसा पिटा कैसेट चला रहे हैं, एक बात। दूसरे बात, हमारे यहाँ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार है, तो यहाँ गुजरात का हो रहा है, अडानी का यहाँ गप हो रहा है, यहाँ लोकल समस्या में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खुला अभी हाल फिलहाल, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला अभी हाल फिलहाल, अभी 300 बेड का यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है अभी हाल के फिलहाल। तो और जो जूट मिल, नहीं तारिक साहब की देन, बिहार सरकार की देन है, बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने आके उद्घाटन किया है इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज या हॉस्पिटल। और आपको हम बता देते हैं, अभी बता रहे थे, हमारा जूट मिल हमेशा चलता था, तारिक साहब जब बनते हैं एमपी तो बंद हो जाता है, नहीं उस समय चालू था, उस समय में चला रहा था, शारदा इंडस्ट्री चला रही थी इसको। आज हम जान रहे हैं कि सांसद जो 5 साल मौजूदा सांसद तारिक अनवर है, उनके कार्यकाल का मूल्यांकन यहाँ की जनता किस रूप में कर रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए कि तारिक साहब के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है यहाँ? विकास के नाम पे तो नहीं जानते, लेकिन अभी सबसे बड़ी मुद्दा है कटिहार के लिए, नाली का सबसे बड़ा समस्या है कटिहार में। हर एक जगह आप देख सकते हैं नाली की जगह रोड पे नाली का पानी बहता है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे वार्ड नंबर 43 में हर एक रोड में नाली का है, तो हमको लगता है घुटना घुटना भर पानी जमा हो रहता है। आज भी आपका म्यूनसिपलिटी से आया और पानी खींच के ले गया, ऐसी समस्या तो अभी लगा ही रहता है। रोड का समस्या का भी तो वही समस्या लगा हुआ है। लोकल असर की बात कर ले तो जाम की समस्या है, नाले वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, लेकिन कटिहार के जूट मिल की बात कर ले तो जूट मिल के नाम पे हमेशा राजनीति होती रही है, और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जूट मिल के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, और कटिहार की पहचान जो है जूट नगरी के रूप में एक समय हुआ करती थी, और मौजूदा हाल की बात कर ले तो कटिहार का जो जूट नगरी के रूप में जो पहचान थी वो मौजूदा हालत में धूमिल होती जा रही है। आइए बात करते हैं। जी बताइए, कटिहार के जूट मिल की समस्या है, जो क्या मानते हैं कि मौजूदा सांसद जो तारिक अनवर वो भी समस्या को हल नहीं कर पाए, और इससे पहले जो 15 साल जिनका कार्यकाल रहा निखिल चौधरी, वो भी समस्या को नहीं हल कर पाए, कमी कहाँ है? नहीं, देखिए, कटिहार जिला को पूरे देश में उद्योग नगरी के रूप में जानते हैं, और जब भी कटिहार जिला का नाम आता है तो जूट मिल का नाम जरूर आता है। और एक समय था जब कटिहार में कम से कम 2 दर्जन कारखानाएं थी। क्या कारण है कि उद्योग बंद होते जा रहा है, मजदूरों का पलायन होते जा रहा है? आज कटिहार में देखिए जूट मिल, भारत सरकार का एक आरबीएचएम जूट मिल, 1000 मजदूर काम करता था, 3 साल से बंद है। इसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए सांसद क्या करे, सांसद तो हमारे महागठबंधन के हैं, एनसीपी के सांसद थे, हाल में कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में आवाज उठाया, आवाज दब गई,
विधानसभा में वो आवाज उठाए दब गई। पहले भी बीजेपी के 15 साल के सांसद रह चुके हैं, तो क्या उन्होंने पहले किसी ने भी नहीं? देखिए ये तय है कि कटिहार से उद्योग का पलायन हो रहा है, कटिहार से उद्योग बंद होते जा रहा है, कटिहार में अब लग नहीं रहा कि उद्योग लगेगा। कटिहार में विकास कहाँ तक पहुँचा? कटिहार निश्चित रूप से बगल में जो भाई साहब अभी अपना बताए हैं, इन्होंने जूट मिल के लिए संघर्ष किया है, लेकिन कटिहार का जो संघर्ष है वो राजनीति का शिकार हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों को साथ लेकर कोई भी सामाजिक आंदोलन वो परिणति तक नहीं पहुंच सकता। परिणति तक पहुंचाने के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है, इसलिए समाज में तभी कोई बड़ा परिवर्तन आया है जब समाज संघर्ष किया है, युवा संघर्ष किया है। वो के विकास कार्य को क्या मानते हैं? मौजूदा सांसद तो के साथ साथ हम समझते हैं कि निखिल कुमार चौधरी को छोड़कर कटिहार के अंदर जो भी सांसद हुए वो मौसमी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह जैसे मेढक जो है एक पानी बरसात के समय टट्टर करते हैं, उसी तरह यहाँ कटिहार के अंदर वह अन्य जो भी सांसद बने वह सांसद इसी प्रकार के बन पाए। और जो वर्तमान सांसद है वो तो मूलतः रहने वाले जहानाबाद के रहे, यहाँ रहते भी नहीं है। यहाँ आवास उन्होंने बनाया जरूर है, लेकिन उसको जो रूप देना चाहिए या यहाँ के युवा जो युवा है उनको साथ लेकर जो काम करना चाहिए शायद वह काम नहीं कर पाया। और यहाँ के कांग्रेस के भी लोग उनको पास करेंगे या फेल करेंगे उनको, वो पूरी तरह से यहाँ फेल है। केंद्र में सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार, इस कारण विकास नहीं हुआ कटिहार में, क्योंकि मौजूदा सांसद जो एनसीपी के थे अभी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं रितेश रंजन, कशिश न्यूज कटिहार। मैं राम प्रवेश सरहाटी से कशिश न्यूज के लिए। आज हम बात करेंगे चुनावी चौराहा। ये गया संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सांसद माननीय हरिमान जी। अब यहाँ कुछ स्थानीय हैं जिनसे हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ दो बार ये इन्होंने 10 साल लगातार इन्होंने सांसद रहा है, इस क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किया है। अब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बहुत लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इनकी सांसद जो है 10 सालों में या 5 सालों में कितना विकास का कार्य किया। सर आप बताएंगे आपके सांसद आपके संसदीय क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किया? हमारे सांसद ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी कुछ नहीं किया है, इनके कामों का बहुत चर्चा यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर से जो प्रयास हो रहा है जनता के भलाई के लिए वो काफ़ी अच्छे प्रयास है। और यहाँ पर शहर का, अपने शहर का मुख्य समस्या है ये आपको रिंग रोड का, जो अब तक काफ़ी प्रयासों के बाद अभी तक ये नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि अभी भी सांसद महोदय के पास वक्त है, एक रिंग रोड के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे और ये इनके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य हुआ। सर आप बताएंगे कि सरहाटी में आपके सांसद कितना विकास का कार्य हुआ? देखिए अगर विकास की दृष्टि से कहें तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिनिधि बनता है तो कुछ चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें जिन पे पूरे जनता के पूरे लोगों के ध्यान जाते हैं उनमें अगर ये बात कहें तो गया जिला के अंतर्गत शेरघाटी एक अकेला अनुमंडल था जो पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से इसके ज़िला की मांग चल रही है और सभी वर्ग के लोग इसको ज़िला बनाने की मांग उठा रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने, हमारे प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर कभी सदन में प्रमुखता से बात नहीं रखी। ठीक है लोकसभा में नहीं रखने की बात थी, लेकिन आप मीडिया में बात रख सकते थे, आप इसको लेकर आंदोलन कर सकते थे, बयान जारी कर सकते थे कि शेरघाटी को ज़िला बनाया जाए, लेकिन ये हमारे सांसद महोदय ने नहीं किया। एक जो प्रमुख बातें हैं, मैंने कई बार सांसद महोदय से इस संबंध में बात भी की है कि जो रेल परियोजना को अभी से 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने गया से लेकर चतरा तक भया शेरघाटी एक परियोजना और दूसरी गया से लेकर गुरुआ होते हुए शेरघाटी बांके बाज़ार और इमामगंज होते हुए वो डाल्टनगंज जाने की ये 2 परियोजनाएँ थी। अगर वो परियोजना का शिलान्यास गलत किया गया था तो सांसद महोदय ये बात को साबित करते कि वो नकली परियोजना थी,
वो शिलान्यास सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था, और अगर वो परियोजना सही थी तो 15 सालों तक 10 साल से ये सांसद हैं, इन्होंने लोकसभा में एक बार ये मुद्दे को रेल मंत्री के सामने नहीं उठाया कि जो शेरघाटी गया से चतरा और गया से डाल्टेनगंज भया शेरघाटी रेल की परियोजना है, इस पर अब तक कोई काम प्रमुखता से नहीं हुआ और ये परियोजना क्यों नहीं शुरू हुई गई। तो यहाँ की बड़ी मांग है ये रेल परियोजना का जल्दी से जल्दी शुरू। आप क्या कहेंगे, आपके सांसद आपके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य? हमारे सांसद महोदय बहुत अच्छा काम नहीं किए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार का दिया हुआ योजना है, वो ठीक ठाक है, लेकिन भली भांति अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह से उतार नहीं पा रहे हैं। और हम इनसे मांग भी करेंगे कि अपने संसदीय क्षेत्र में पूरा ध्यान दें। लोगों में हालांकि गया सांसद के लेकर के काफ़ी नाराज़गी है, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं बहुत से बुद्धिजीवी, और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है आपको कि आपके सांसद आपके क्षेत्र में कितना कार्य किया है, उन्होंने विकास का कितना कार्य किया? देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारे सांसद हैं वो सांसद सदन संसद भवन में शेरघाटी नहीं किसी भी समस्या को रख नहीं सकते, मजबूरी है उनके साथ। यहाँ के पॉलिटिकल बिंग, चाहे जिस पार्टी से वो है, हम उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी की सरकार में है, लेकिन वो इलिटरेसी का शिकार है, सदन में हमारी समस्या को वो रख नहीं सकते। चाहे रेल का परियोजना हो, जिला का मांग हो, या सर पे है, क्या करेंगे आप? हम माननीय भारत के विकास पुरुष और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप गया में एक रिजर्वेशन सीट है, रिजर्व सीट है, आप एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार को दीजिए, ताकि शेरघाटी और गया जैसे जगह में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर विकास कोसों दूर है, वो सदन में जाके हमारी समस्याओं को रख सकें, तभी जाके इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। नहीं तो इलिटरेसी पर्सन जो अनपढ़ आदमी को टिकट दे दीजिएगा, वो जीत के जाएंगे तो हमारी बात को ध्यान नहीं देंगे, वो सदन में अपनी बात नहीं रख सकेंगे, ऐसे लोगों को जिताने से कोई फायदा नहीं। सही बात, जब तक लोग शिक्षित ना रहे अपना विचार को, लोगों की समस्या को संसद में रख नहीं सकता। और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, शेरघाटी को बहुत देखे हैं, करीब से देखे हैं, क्या लग रहा है कि आपके सांसद आपके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किया होगा? सांसद महोदय के कार्य से खुश हूं मैं, व्यक्तिगत अपनी बात पाता हूँ, और न यहाँ के जनमानस में उनका कोई प्रतिभा है, समझे, कभी यहाँ से जनता से हूबहू न होते हैं, न कभी मिलते हैं, न कुछ, चोर नियत लुकाए चलते हैं, कभी यहाँ पर न पब्लिक के दुख सुख में सहभागी बनते हैं, नहीं समझे, इसलिए आने वाला समय में अगर टिकट इनको मिला तो यहाँ के पब्लिक ग्रोह। क्या युवा भी हमारे साथ है, बुजुर्ग के साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी दिल में गया सांसद के प्रति कितना जगह है, क्या करेंगे, इनके क्षेत्र में विकास का कार्य किया कि नहीं? मैं अपने बुजुर्गों से बहुत सहमत हूँ, जैसे आज हर बच्चे की जुबान पर मोदी मोदी है, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मन की बात, सबकी मन की बात सुनते हैं, वो मीटिंग करवा करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन हमारे सांसद तो जानता कौन है यहाँ पर। हमने अभी गूगल पर सर्च किया कि हु इज़ द सांसद ऑफ गया, तब मुझे मालूम चला कि हरी मां जी, बताइए ये हाल है। हमें अपने सांसद को आप देखा है कि नहीं सांसद को अपने? बस टीवी पे ही देखा है, और ऐसे कभी हम लोग से ना मिले हैं, ना वो यहाँ पे आते हैं, जैसे हमारे चाचा ने कहा कि लुकते छिपते लगकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात बिना जी ने कहा, मैं इनसे 100% सहमत हूँ बिल्कुल, कि अगर किसी को सत्ता थमाना है, सत्ता में बैठे वही आदमी बैठे जो पढ़ा लिखा है, जो हर किसी को समझ सकता है। विनय जी शिक्षक रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, आज हर काम यहाँ पर हो रहा है, हर विकास हो रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही वो जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे मोदी जी भी हैं तो भी पढ़े लिखे हैं, और जहाँ जहाँ लोग अनपढ़ लोग रहेंगे तो अनपढ़ ही लोग रहेंगे यहाँ पर, कोई पढ़ा लिखा कोई स्कूल नहीं चलाएंगे, कोई स्कूल पर ध्यान नहीं देंगे, बस बात होगी केवल आपको 10 नंबर में से आप गया सांसद को कितना नंबर देना चाहिए? कोई नंबर नहीं, अगर नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव नंबर दे सकते हैं हम, कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए उनको, क्यों मिलेगा, वो कुछ काम किए हैं, बस
अपनी सत्ता को लेके अपने कुर्सी को कुर्सी बचाना चाहते हैं, बताओ कुछ करना नहीं चाहते और कुछ नहीं करना चाहते हैं। अरे ऐसा कम से कम एटलीस्ट वो आते, हमारी बात को रखते, सुनते। अगर काम में दुख सुख समय लगता ही है, काम में किसी काम को अमल करने में, इम्प्लीमेंट करने में समय तो लगता ही है, लेकिन कम से कम हमें हमारी बात को सुनते तो, हमारे तकलीफ को सुनते तो अच्छा लगता हमें कि हाँ चलो भाई किसने सुना। और लोग हैं उनकी बात करेंगे, गया संसद को पहचानते तक नहीं हैं। और अगर नंबर की बात करें तो और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे आप? एग्जाम तो है नहीं कि नंबर दिया जाए, लेकिन कार्य तो देश नहीं, कार्य सिर्फ कार्य नहीं, कार्य को देख करके तो आप नंबर दे सकते हैं ना। नंबर तो जैसे और कार्य सब चल ही रहा है, उसमें नंबर की तो कोई बात है ना, कोई परीक्षा वगैरह तो होने लगेगी, कॉपी जांच हो रही है, इसमें नंबर दे देना है। लेकिन विकास का कार्य हमारे राज्य में, देश में द्रुत गति से चल रहा है और इससे हम लोग संतुष्ट हैं। विकास कार्यों में कुछ आप सबसे बात करेंगे, युवा है आपके सांसद है, आपके सांसद के क्षेत्र में किसका विकास का कार्य किया हुआ है? विकास तो बिल्कुल अंधकार की ओर चलेगी जी। ये दुर्भाग्य ऐसा है कि हम लोगों को बहुत ही कमज़ोर नेता मिला है, विकास की गंगा ऐसी नियुक्ति को जो है पूर्ण करना चाहिए और प्रधानमंत्री को ऐसे हमलावर को देना चाहिए ताकि मगध का नाम हो, मगध का क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करे। आज नंबर की बात करें तो आप कितना नंबर देना चाहिए? नंबर में तो जीरो। आज तक मैं समझता हूँ तो वैसे मंत्री को नहीं बुलाया, वैसे आपको नहीं बुलाया, आप दर्शन नहीं दे रहे पब्लिक में, लोग इतना पब्लिक आपको चाहिए। मेरी ख्वाहिश होती है ऐसे मंत्री, ऐसे हमारे सांसद हो, हमारा गांव रोशन हो, हमारा क्षेत्र रोशन हो, हमारा भगत। आपका सांसद आपके संसदीय क्षेत्र में विकास का कार्य ना कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ है, खाली घोटाला में देखे तो लाइट लगा था तबीयत से, उसमें भी घोटाला है, कहीं विकास नहीं हुआ है। गया संसदीय क्षेत्र में आम जनता को कहना है कि कुछ विकास नहीं हुआ है, बहुत से हैं लोग हैं और लोग से भी जानेंगे। और आप बताइए आपके सांसद आपके क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं? अच्छा काम किया है सर, हमने यहाँ पर लाइट की सुविधा दे चुके हैं, रोड भी बढ़िया बनाए हैं, यहाँ पर जो नेता लोग बैठे हुए अपना अपना भाषण दे, लेकिन जो काम मोदी जी द्वारा किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो हरिमान जी मोदी जी का प्रतिनिधि यहाँ कर रहा है, इसलिए जो भी वो काम कर रहे हैं सब ठीक है। चौक चौराहे के लिए सरघाटी से रामपुर वेस्ट कसी मोदी से बैर नहीं।